मुझे लेकर तुम व्यर्थ में ही भावुक हो रहे हो। अखंड भारत की तुलना में मैं नहीं हूं महत्वपूर्ण। तर्क के स्तर पर आपकी सभी बातें सही आ जा रही, किंतु कैसे करेंगे हम अखंड भारत के सपने को साकार? हमारे पास अब ना अपनी सेना है ना ही धन, हमारे पास तो पर्याप्त भोजन भी नहीं है खाने को आचार्य। कैसे लड़ेंगे हम और कब तक? एक होता है राजमार्ग, जिसके दोनों ओर धनिकों और शेषियों की अट्टालिकाएं होती हैं, हर प्रकार की सुविधाएं होती हैं, और एक मार्ग होता है जो नगर के निर्धनों की कच्ची बस्तियों से निकलता है, कृषकों की झोपड़ियों से निकलता है। यहां सुविधाएं नहीं, पग पग पर कांटे होते हैं। जब हमने स्वयं यह मार्ग चुना है तो सुविधाओं के सपने क्यों? जो हमारे पास है हमें उसी से लड़ना है, किंतु किसी सफलता से संतुष्ट मत हो। और रही बात जो करना चाहते हैं उसे कैसे कर पाएंगे, उसके लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करो। मां भारती अवश्य कोई मार्ग दिखाएगी।